हाँ कुछ बताइए ना अपने बारे में, नाम तो बता दीजिए। हितेश। भैया आप कैमरे के साथ हैं पर परिचय तो आप भी दे दीजिए। घर में नहीं, थोड़ा और बताइए कुछ, आप इतने सारे शिविरों में रहे हैं। सभी शिविर किए हैं मैंने जी, लेकिन इतना मैं नहीं रह पाता, कैमरे में रहता हूँ तो वो छूट जाता है, वहाँ पे रहता हूँ तो कैमरा छूट जाता है। ठीक है, तो अभी परिचय शिविर में मैं बहुत अच्छी तरह कर पाता हूँ। ठीक है, यात्रा अच्छी रहती है। हाँ बढ़िया। भैया आपका हाँ माइक में बताइए ना, आप तो साउंड वाले हैं। माइक दीजिए भैया को। मेरा नाम भट्ट गौरव है। हाँ। मैं इधर कंप्यूटर हार्डवेयर में जॉब करता हूँ जी, और ये चौथा शिविर है मेरा। ठीक है, मन लगता है इधर की बातों में। हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग के सबका परिचय सुन के मन खुश हो गया है ना। अंजू दीदी बोल रही थी कि आप लोग ब्लेस्ड हैं, मेरे को लगता है मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ। क्योंकि आप सबके साथ तो मेरे को मिल रहा है ना, परस्परता में ही खिलना है मानव का, अकेले में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग ही हैं एक सब, है ना, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आए बीच में परिचय में, कुछ जानना चाहते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं पहले बातचीत, है ना। तो भैया के कुछ प्रश्न थे, एक एक करके पहले उनको ही करते हैं, है ना। बताइए भैया क्या था पहला प्रश्न। अपने परिचय में चार बातें बोले ना आप। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सभी बुक्स है वो स्टडी करनी कंपलसरी होगी, अगर मुझे आचरण पूर्वक जीना है, सही आचरण पूर्वक जीना है तो क्या बुक्स को पठन करने के बाद ही मैं आचरण पूर्वक जी सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें दो तीन चीज़ें समाई हैं आपके प्रश्न में। एक तो ये है कि बुक्स को का पठन की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है ना, उसका उसकी सार्थकता क्या है और वो कहाँ तक हमें ले जा सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो कोई भी शिविर और कोई भी पुस्तक ये एक सूचना है, ये ज्ञान नहीं है, ये पहले स्पष्ट रहना जरूरी है ना। तो सूचना है, ज्ञान का जो रास्ता है वो सूचना के माध्यम से गुजरता है ना। ज्ञान जो है डायरेक्टली नहीं होता है, वो मानव मानव संबंध में है ना सूचना के माध्यम से पहुंचता है। जैसे मैं अभी जो बात बोल रहा हूँ आपको, ये भाषा एक सूचना के रूप में जा रही है, इस पे जब आप अपनी जीवन शक्तियाँ लगाते हैं तो इसमें ज्ञान की संभावना उजागर होती है। ठीक है ना, तो सूचना तो इम्पोर्टेंट हो गई फिर, है ना। अच्छा, क्योंकि ज्ञान जो है वो व्यवस्था के बारे में है ना, अस्तित्व के निश्चित स्वरूप के बारे में है, तो निश्चितता जो है वो सूचना से पहले हम स्वीकारते हैं। तो इसलिए सूचना ग्रहण करना तो एक आवश्यक चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो किस मुद्दे पे हमारे को अपनी जीवन शक्तियाँ लगानी है वो उससे पता चलता है। ठीक है, तो सूचना मतलब अनिवार्य है। अब कितनी सूचना है ना, अब ये प्रश्न बनता है कि भाई एक पुस्तक से होगा, दो से होगा, 14 से होगा, या इसके बाद भी कुछ सूचनाएँ हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने चार चार दर्शन पढ़ लिए हैं तो उसमें देखा होगा काफ़ी जगह पे काफ़ी रेपिटेशन भी है ना। जो आपने व्यवहार दर्शन में देखा कुछ बातें, अभ्यास दर्शन में भी हैं कुछ, कर्म दर्शन में भी है ना। तो हर पुस्तक को इस रूप में लिखा गया कि वो अपने आप में पढ़ने में भी पूरी रहे और कुछ क्रमिक भी है उसमें बाकी पुस्तकों के, है ना। तो सूचनाएँ तो बहुत निश्चित हैं, उसके लिए एक पुस्तक है, आप लोग देख ही चुके होंगे, जीवन विद्या अध्ययन बिंदु, जो सूचनाएं हैं उसकी एक बहुत कंसाइज फॉर्मेट में वो दिया हुआ है, बहुत ही पतला सा है, 5-7 पेज के अंदर वो दिया हुआ है। सूचना तो उतनी है बेसिक, और बाकी सब उसका फैलाव है ना। तो वो
वो बिंदु अगर आपको स्पष्ट हो गए हैं, वो आप एक पुस्तक में स्पष्ट कर लीजिए, एक में, किसी को एक में भी हो सकते हैं, व्यवहार दर्शन में सारा स्पष्ट हो जाए, किसी को चार पुस्तक में हो जाएगा, किसी को दस में, है ना। तो जिसको जितने में हो जाए, वो सारे बिंदु अगर स्पष्ट हो जाते हैं तो आपकी सूचना पूरी हो गई, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको 14 पढ़ना है, लेकिन जब कोई शिक्षा का काम होता है वो निश्चित व्यवस्था से होता है, निश्चित प्रक्रिया से होता है, तो उस प्रक्रिया के रूप में वांग्मय का पठन एक अनिवार्य स्टेप हो जाता है, है ना। ये एक जेनेरिक स्टेप होता है ना, ये कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब किसी ने काफ़ी पात्रता है, कुछ ने कुछ पहले से कुछ इतनी तैयारी की हुई है, तो उसको बहुत जल्दी से वो उसमें से गुजर सकता है, किसी को समय लगता है। जो डिज़ाइन, जैसे आप लोग भी करिकुलम डिज़ाइन किए होंगे या जो पढ़ाते हैं, उसमें सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, है ना। तो सूचनाएं तो सबको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, है ना। आप कितने ग्रहण करके कितनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ये आपकी पात्रता पे, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, कुछ स्पष्ट हुआ कि सूचना अनिवार्य है, सूचना तो होनी है, कितनी होनी है वो जीवन विद्या अध्ययन बिंदु में कंसाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है, और उसका फैलाव वांग्मय में है जो 14 पुस्तकें हैं। इसमें से ये जो अध्ययन बिंदु में जो बिंदु हैं, इसके संदर्भ में अगर आपकी स्पष्टता बन जाती है सब में, वो आप दो पुस्तक में कर लीजिए, चार में हो जाए, जिसको जितना अधिक पढ़ने की जरूरत है पढ़ लीजिए, जिसका कम में हो जाता है बढ़िया, ठीक है। पुस्तक डेस्टिनेशन नहीं है, पुस्तक का पठन है ना, वो एक माध्यम है, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। हाँ, आपकी पात्रता दो, आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। तो पहली चीज तो ये कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट का, कंटेंट किस लिए है? हमारे अंदर ज्ञान अर्जन के लिए। कोई किसी का, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। हम अपने इंटरेस्ट, जैसे अभी कोई दीदी बोले कि क्वांटम मैकेनिक्स को सुनना चाहते हैं, वो एक इंटरेस्ट का एरिया हो गया, आपका शायद ना हो, है ना। किसी, अभी हम कर्म दर्शन देखें, किसी का उपासना में इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी को लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, है ना। तो अलग अलग प्रवृत्तियों के लिए 14 किताबों में पूरा कवर किया हुआ, ठीक है ना। तो जो जिस प्रवृत्ति का है वो वहीं से शुरू हो जाए, उससे ज्ञान अर्जन के रास्ते पे आ गए तो सूचना सहायक हो गई। किसी को 2 सूत्र में हो जाएगी, किसी को 10 में हो जाएगी, किसी को 20 में हो जाएगी, इसमें क्या आपत्ति है। पहुंचना तो हमारे को ज्ञान में, ज्ञान अर्जन होना है, ठीक है ना। हाँ, एक जो अभी भी प्रश्न बना हुआ है वो ना, लॉजिकली लॉजिकली मेरा जो भी आचरण है वो ना सही आचरण पूर्वक मैं आचरण कर रहा हूँ कि नहीं, ये लॉजिकली मुझे कैसे पता चलेगा? लॉजिकली तो इसका पता चलता है आपके मूल्यांकन से, आपको जो फीडबैक आता है आपकी परस्परता से, उसको ठीक से मूल्यांकित करने से पता चलता है। आचरण तो प्रभाव परस्परता में देता है ना, भाई आप जो भी कायिक वाचिक मानसिक रूप से व्यक्त हो रहे हैं, है ना, वही आपका आचरण है, उस आचरण से आपकी परस्परता में प्रभाव जाता है, उस प्रभाव के आधार पे आपको एक संकेत आता है। आप जैसे बात करते हैं अपने क्लास में, आपके स्टूडेंट्स के फेस से आपको रिएक्शन मिलता ही होगा, उनकी भाषा से रिएक्शन मिलता ही होगा, आपके कुलीग से रिएक्शन मिलता ही होगा, ऐसे ही परिवार में भी, है ना। तो उसमें क्या उभय तृप्ति का कोई संकेत है? अगर उभय तृप्ति का संकेत है तो आचरण ठीक है, उभय तृप्ति का संकेत नहीं है तो कुछ तो कमी है, ठीक है ना। तो लॉजिकल तो वही है, आचरण का मूल्यांकन परस्परता में, परस्पर मूल्यांकन बराबर उभय तृप्ति, यही उसका टेस्ट है, ठीक है। बताइए अगला क्या प्रश्न था आपका? स्वावलंबन के लिए
एग्रीकल्चर एक ही उपाय है और जॉब के अंदर मुझे आचरण पूर्वक स्वावलंबन बनना है तो उसका क्या उपाय हो सकता है? बात बढ़िया। तो भैया स्वावलंबन के तो अनेकों तरीके। स्वावलंबन का अर्थ है मानव अपने प्रयोजन को जब समझ जाता है ना, तो उसको जीवन और शरीर के संयुक्त रूप की पूरी स्पष्टता हो जाती है। जीवन और शरीर की स्पष्टता होने के बाद उसको स्पष्ट हो जाता है कि मानव रूप में जीने के लिए कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं और कुछ बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, है ना। तो बौद्धिक के लिए तो मानव शिक्षा व्यवहार इसके माध्यम से पूरा करेगा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो व्यवसाय से करेगा, उत्पादन कार्य से करेगा। तो व्यवसाय में जो उत्पादन है वो किस चीज़ का उत्पादन करेगा? मानव उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन, है ना। तो मानव उपयोगी वस्तुओं में क्या चीज़ आती है? तो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं यानी आहार आवास अलंकार की वस्तुएं आती हैं और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं आ सकती हैं यानी दूरदर्शन दूरश्रवण दूरगमन इनकी वस्तुएं आ सकती हैं, ठीक है। तो इन छः के साधनों का उत्पादन ये मानव उपयोगी है, इससे अन्यथा जितने भी उत्पादन हैं वो मानव उपयोगी नहीं है। जैसे बंदूक बनाना कोई मानव उपयोगी काम नहीं है, पूरी वॉर इंडस्ट्री है। अभी इस वक्त धरती पे सर्वाधिक उत्पादन वॉर के अर्थ में है, ये निरर्थक उत्पादन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। तो दूसरा जो लाभ मानसिकता के लिए उत्पादन है, मतलब उसका जिसका प्रयोजन केवल लाभ करना है और कोई प्रयोजन नहीं है, ये भी कोई उत्पादन नहीं है। तो उसके अलावा कितना उत्पादन है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम, आहार की कितनी प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, है ना। अब आहार की वस्तु में बस इतना ही ध्यान रखना है हमें कि वो आहार जो होता है उसकी परिभाषा ही पोषण से है, तो पोषण को सुनिश्चित करते हुए जितनी विविधता देते रहिए, क्या परेशानी है। तो आहार की अनेकों उत्पादन हो सकते हैं। तो आहार में एक कृषि से उत्पादन होता है, एक उसके अंदर प्रोसेसिंग से भी होता है ना। तो जैसे हमने किसी ने गेहूं उगा दिया कि उसने उसके किसी ने उसका बिस्किट बना दिया, उसका कुछ थेपला बना दिया, कुछ बना दिया, सब उत्पादन के रूप में आ ही सकता है। पर केवल आहार तक सीमित नहीं है, अलंकार की वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, है ना, और जो घरेलू उपयोगी वस्तुएं वो सब आ जाती हैं उसके अंदर, है ना। ऐसे ही आवास की वस्तुएं, है ना, इन सब का उत्पादन भी हो सकता है। उसके बाद दूरदर्शन दूर श्रवण और दूरगमन, है ना, आने जाने टेली कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं इनका भी उत्पादन हो सकता है। इन सब में जो महत्वाकांक्षा के जो साधन हैं इनके अंदर हमारे को आवर्तनशीलता का ध्यान रखना है ना, क्योंकि उसमें क्या ईंधन लग रहा है क्या है? तो अभी तो जहाँ है वहाँ से शुरू करते हुए धीरे धीरे उसको फाइन ट्यून करते हुए व्यवस्था की तरफ ले जाना है। तो कृषि एकमात्र नहीं है, कृषि सबसे सरल है। देखिए जैसे मैं अपने उदाहरण दूं तो मैंने कृषि शुरू क्यों किया? क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो तो एक प्रकार की थी, है ना, वो तो वैचारिक रूप में ज़्यादा काम करने वाली ट्रेनिंग थी, है ना, शिक्षा के अंदर IIT वगैरह में इंजीनियरिंग जो सीखते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो अधिकतर काम तो नहीं करते हाथ से, काम करवाते, मैनेजर्स ही बनते हैं, है ना। जो बिना जाने काम कराता है उसका नाम मैनेजर होता है ना। तो अब मेरे को उत्पादन करना है यानी खुद काम करना है, और उसकी मैंने अपने 30-35 साल जो भी शिक्षा प्राप्त की उसके अंदर कोई ऐसा तो सीखा नहीं हाथ से काम। तो अब कैसे, तो सबसे सरल काम जो है जिसमें प्रकृति सबसे ज़्यादा सहयोग करती है वो है कृषि। आप बीज डाल दीजिए, बाकी प्रकृति करती है, है ना। पौधा हो गया, उसकी थोड़ी साफ सफाई कर दीजिए तो और अच्छे से उग जाता है। आप नहीं भी करेंगे तो कुछ तो दे ही जाता है, है ना। तो इसलिए सबसे सरल रास्ता ले लिया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं, है ना। अपने राकेश भैया अपना सोलर टेक्नोलॉजी को लेके कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सभी अपनी कल्पनाशीलता लगा के क्रिएटिविटी का प्रयोग करके बहुत कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो उसका भाग है जॉब में, है ना, तो जॉब के अंदर स्वावलंबन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देखिए जॉब का जो पूरा डिज़ाइन है वो क्या है, काम के लिए पैसा, पैसे के लिए काम, एक तो उसका जो थीम है वो ये है। और उसमें जॉब के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो है ना जो मानसिकता उसमें क्या है, एम्प्लॉयर
कम से कम पैसा दे के अधिक से अधिक काम लेना चाहता है, ये एक शोषण है। और एम्प्लॉई कम से कम काम करके अधिक से अधिक पैसा लेना चाहता है, ये भी शोषण है। तो जहाँ पे दोनों पक्ष शोषण के लिए होंगे वहाँ पे स्वावलंबन कैसे होगा, तृप्ति कैसे होगी, है ना। तो फिर अब आते हैं कि जब हम आज की परिस्थिति में क्या करें, तो आज की परिस्थिति में तो जहाँ वहीं से शुरू होगा, हम ही को अपने रास्ते दिखते हैं, इसमें कोई बाहर से नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता आप क्या करिए। आप जहाँ खड़े हैं उसके आगे का एक छोटा सा स्टेप आप ही को दिख जाएगा कि मैं इसमें रहते हुए ये तो कर ही सकता हूँ ना, ये कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बताने कि आप ये करो, ठीक है ना। तो आपकी जैसी समझ बनेगी आपको अपने छोटे छोटे नेक्स्ट स्टेप्स दिखते जाएंगे। जैसे अभी कितने सारे लोगों ने शेयरिंग की, हमने परिवार में ये करना शुरू कर दिया, क्लासरूम में ऐसा किया, है ना। ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी चल रही है, आपकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी गति में लक्षण के रूप में आने लगता है, तो आप खुद रास्ते निकाल लेंगे उसके, ठीक है। फिर एक स्थिति आती है कि अब लगता है कि अब मैं तैयार हो गया हूँ कि अब मैं स्वावलंबन विधि से ही जीना चाहता हूँ, तब वो ट्रांजिशन हो जाएगी। मान लीजिए आपकी उसमें नहीं आती है, आपकी अगली पीढ़ी में आ जाएगी। मान लीजिए आपकी परिस्थिति ऐसा डिमांड करती है आपके घर परिवार की कि अब ये जॉब नहीं छोड़ा जा सकता है ना, उसकी आवश्यकताओं के लिए अगली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं हम, उनके लिए इस परिस्थिति को बना सकते हैं, उनकी शिक्षा में इस बात को जोड़ सकते हैं कि वो स्वावलंबन पूर्वक जिए। सब कुछ काम हम ही को नहीं करना है, हम मानव परंपरा में है, परंपरा एक कंटिन्यूटी है, हमारा योगदान छोटा सा है, छोटे छोटे स्टेप लेके चलेंगे। ये अहंकारी सिस्टम नहीं है कि सब कुछ मेरे को ही करना है, सब छोटे छोटे स्टेप करके पूरे होते हैं। जैसे परिवार है ना, माता एक भागीदारी से एक प्रयोजन को सिद्ध करती है, प्रयोजन के अर्थ में एक जिम्मेदारी को सिद्ध करती है, पिता एक जिम्मेदारी को सिद्ध करते हैं, बच्चे एक जिम्मेदारी को सिद्ध करते हैं, सब मिलके पूरा होते हैं। तो जैसे परिवार है वैसे ही मानव परंपरा है, हम लोग छोटे 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 योगदान करेंगे, इसी का नाम भागीदारी है ना। इसमें ही तो ईमानदारी चाहिए कि क्या मैं अपनी छोटी सी भागीदारी को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर पा रहा हूं, अगर कर पा रहा हूं तो मैं समझदार, नहीं कर पा रहा तभी समझदारी की आवश्यकता, ठीक है। हाँ, इससे काफी बोझ हट जाता है नहीं तो काफी कंधों पे भारीपन रहता है ना। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ेंगे, साथ में मिलके करेंगे। मानव का जो जीने का स्वरूप है कोलैबोरेटिव स्वरूप है ना। रोज स्कूल में पढ़ाते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल का मतलब तो कोलैबोरेटिव ही है ना। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में व्यक्तिवादिता आ गई है, सब कुछ अकेले करने का हो जाता है ना। उसका श्रेय दोनों प्रकार की शिक्षा में, भौतिकवादी शिक्षा में भी यात्रा अकेले की है और आदर्शवादी शिक्षा में भी यात्रा अकेले की। इसमें सहस्तित्व में क्या है, यात्रा साथ की है, सब कुछ साथ में होना है, सुख भी साथ में है दुख भी साथ में, ना अकेले का सुख है ना अकेले का दुख है। ये जब पकड़ में आता है तब तो मानव मानव की परस्परता से बढ़िया ब्लेसिंग कोई दिखती नहीं है ना, नहीं तो वो झंझट लगता है है ना। अभी जैसे जैसे हम आयु में बढ़ते जाते हैं, शिक्षा में, प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, परस्परताएं झंझट लगने लगती है ना। तो ये जो मानव मानव की परस्परता अवसर है हमारे खिलने का, तो पूरी प्रकृति हमारे को अवसर दे रही है रोज कि हम खिल सके, हम सुखी हो सके, पर हमने सोचा हुआ नहीं इनको छोड़ के सुखी होंगे, ऐसा कोई नियम ही नहीं। सबसे बड़ा भ्रम है अकेले का सुख, ऐसी नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, यही भ्रम है। सह अस्तित्व में से के लिए ही सुख है, और सह अस्तित्व एक में तो होता नहीं, एक से अधिक में ही होता है, ठीक है। हाँ,
अगला बताइए। नहीं अभी थोड़ा सा ना आश्वस्त तो हो गया हूँ कि ये हो सकता है, और जैसे मेघाश्री मैडम ने बताया कि काफी हमारी कंडीशनिंग्स होती है, तो धीरे धीरे हम जो आगे बढ़ते हैं तो हमारी कंडीशनिंग्स जो पुरानी होती है वो टूटती जाती है। जैसे कि आपने आर्म्स वाला बताया बंदूकों का, तो तभी शायद मानवकृत जरूरत कुछ होगी तो बनाया होगा, लेकिन वो सही के लिए बनाया है कि नहीं वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम मानव को नहीं समझे। तो मानव को जब ही समझेंगे तो हमारी काफी कंडीशनिंग्स टूटेगी। इसी प्रकार से जॉब सर्विस को हम सेवा बोलते हैं, तो सेवा तो मुझे लगती है कि सेवा के भाव के साथ होना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी कंडीशनिंग्स इसी हिसाब से ना ठीक हो जाएगी, मध्यस्थ हो जाएगी, न सम न अति, सम मध्यस्थ हो जाएगी। थैंक यू। आपके दो प्रश्न हुए, बाकी चार बताए थे आपने। ना मैंने ये दूसरे प्रश्न में तो दो कवर कर लिए। अच्छा, तो एक लक्ष्य और रास्ता, कि सही समझने का रास्ता क्या हो सकता है सही के अर्थ में, क्योंकि जब भी लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली आचरण का हम इवेल्यूट करते हैं ना, तो ये ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता कि ये जीवन अपने आचरण पूर्वक जी रहा है कि नहीं, सही आचरण पूर्वक जी रहा है कि नहीं, ये काफ़ी क्वालिटेटिव है, तो इसको मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। इसी हिसाब से है मेरा खुद का, लेके दूसरों का तो मैं देखता नहीं हूँ, मेरा खुद का आचरण है, मुझे काफ़ी बार लगता है कि नहीं मैं तो पूरा सही आचरण पूर्वक ही जी रहा हूँ, तो काफ़ी बार वो क्वेश्चन भी रह जाते हैं कि ये सही है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे ही मिला हुआ है, कि आगे धीरे धीरे कंडीशनिंग जैसे जैसे सॉल्व होती जाएगी तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक बात है, उसका आंसर में वही है कि हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं आचरण, परस्परता से जो फीडबैक आता है उसमें उसकी जांच हो जाती है, तो उसको ध्यान देना है, उस पर ध्यान देने से पता चलता है। देखिए, आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो क्या आपको स्वीकार होता है या अस्वीकार होता है? स्वीकार होता है। तो आप जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उनको भी स्वीकार होगा, तो उसका संकेत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? और आप अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो उसका भी संकेत मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है मैं कर तो सही रहा हूँ पर उधर से संकेत नहीं आ रहा, तो कुछ तो गैप हो गया, यही संकेत को पहचानना है। ठीक है, ठीक है। तो और भी दो चार लोगों ने कुछ प्रश्न किया था तो उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। बताइए, अपने परिचय में जानने के लिए कुछ छोटी मोटी बात हो तो। क्या ये जो चर्चा है ये बेसिकली एक भूमिका के रूप में है, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हम लोग कैसे बातचीत करने वाले हैं, है ना, और कैसे चलने वाले हैं आगे। ठीक है, एक कंफर्ट भी बनेगा बातचीत करने से, है ना। बताइए कोई और बात हो तो, फिर विधिवत तरीके से अगले सत्र में शुरू करेंगे। दीदी, लास्ट टाइम जब हमने मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करा था तो चैप्टर्स का वो प्लेसमेंट राकेश भैया ने बहुत अच्छे से बताया था, राकेश अग्रवाल जी ने जी। तो कर्म दर्शन का क्या फ्लो है बुक का, अगर वो भी थोड़ा सा आप कवर कर पाए तो थोड़ा कनेक्टिविटी समझ में आएगा, क्योंकि जब मैंने मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा तो सृष्टि दर्शन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट यस मानव व्यवहार से पकड़ में आया। जब कर्म दर्शन पढ़ा तो वो पहला चैप्टर फिर से पढ़ने का मन हुआ, बट फिर भी मतलब अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है, दैट्स इट। तो थोड़ा सा वो भी ख्याल हो तो पढ़ने का एक, नहीं तो कभी कभार क्या होता है पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो धीरज टूटता है और ऐसा लगता है कि सही जा रहे हैं या दिन निकलते जा रहे हैं, सत्र पूरे होते जा रहे हैं, अध्ययन भी पूरे हो रहे हैं, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या अध्ययन में और क्या सपोर्ट में आ सकता है, कौन सी जैसे अध्ययन शिविर की कोई वीडियोज या ऑडियोज बहुत नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी अगर थोड़ा सा हेल्प कर पाए। ठीक है ना, तो पूरी अध्ययन प्रक्रिया पे ही कुछ बात कर लेते हैं, है ना। अध्ययन प्रक्रिया का मतलब क्या है इसको समझना जरूरी है,
ये तो खूब रेलेवेंट बात है ही इसके लिए, है ना। तो अध्ययन शब्द के साथ दो परिभाषाएं जुड़ी हुई हैं, आप लोग ने देखी होंगी, है ना। एक तो यही है कि अधिष्ठान की साक्षी में, है ना, और अनुभव की रोशनी में, है ना, स्मरण पूर्वक की गई क्रिया प्रक्रिया, है ना, इसको एक बोला है, है ना। तो अधिष्ठान क्या है, तो अधिष्ठान क्या है, आत्मा को ही अधिष्ठान बोला है। अनुभव क्या है, तो जो गुरु है या जो शिक्षक है उसके पास अनुभव होता है, उसकी रोशनी में वो कराता है, और जो स्टूडेंट है उसकी अधिष्ठान की साक्षी में ये काम होता है। स्मरण पूर्वक का क्या मतलब है, है ना। तो जो मानव है, जब हम शिक्षा जो है मानव रूप में है, है ना, बुद्धि और जो आत्मा है वो जीवन में ज्ञान के लिए, है ना, होने वाली बल और शक्तियां हैं, है ना। आत्मा जो बल है उसमें ज्ञान होता है, बुद्धि में दर्शन होता है ना। इससे कम में, यानी चित्त में, वृत्ति में, मन में, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है ना। ये जो डोमेन है 4.5 का, ये केवल क्रियाओं के साथ, ये केवल सूचनाओं के साथ खेलता है, इस डील करता है उसके साथ। इसका जो सार भाग है वो बुद्धि में दर्शन के रूप में स्थापित होता है, सूचनाओं का जो सार भाग है, और उसके मूल में जो अर्थ है, जो मूल में सच्चाई है फाइनल, वो आत्मा में ज्ञान के रूप में आत्मा को उसका मतलब अनुभव होता है। तो आत्मा से कम में कोई ज्ञान नहीं है। और जब हम समझ शब्द को बोलते हैं तो वो बुद्धि में बोध को बोलते हैं। सारा तर्क 4.5 क्रिया तक सीमित है। अभी हम तर्क स्पष्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं समझ गए, ऐसा नहीं है। तर्क स्पष्ट होने से सूचना की ग्राह्यता बढ़ गई, सूचना के प्रति सहमति बन गई, है ना। जैसे आप किसी बच्चे से भी पूछिए न्याय होना चाहिए अन्याय होना चाहिए, क्या बोलेगा, हर बच्चा बोलेगा, है ना, वो सहमत है इस बात से। उसको न्याय मालूम है क्या होता है, नहीं मालूम। तो सहमति जो है वो केवल भाषा के लेवल पे होती है, इसमें हम अर्थ में नहीं गए अभी, है ना। तो इसमें जीने के लिए कोई कमिटमेंट जुड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है, जो अनुभव की रोशनी में होती है, वो आत्मा की साक्षी में, इसलिए क्योंकि जो अध्ययन करता है उसकी आत्मा भी अनुभव होना है, ये लक्ष्य है, ठीक है ना। अध्ययन का लक्ष्य क्या है, अनुभव ज्ञान, है ना, ये लक्ष्य है इसका। इससे कम लक्ष्य नहीं स्थिर होता। तो अनुभव तक पहुंचने के लिए अध्ययन है, ठीक है। इसलिए दोनों जगह पे आत्मा शब्द को दिया परिभाषा में, है ना। तो इससे पहली परिभाषा स्पष्ट होती है। फिर दूसरी परिभाषा जो दी है वो दी है शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, है ना। ये इसकी प्रक्रिया को बताती है अध्ययन की, है ना। तो शब्द क्या कहाँ होता है, भाषा में होता है। जैसे मैं अभी एक भाषा, हिंदी भाषा में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, है ना। तो भाषा में जो शब्द है वो शब्द तब है जब उसका कोई अर्थ है, नहीं तो वो केवल ध्वनि है बोलने में। जैसे मैं बोलूं इंगड़, कुछ स्पष्ट हुआ इससे, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, तो ये ध्वनि है केवल, ये कोई शब्द नहीं है, है ना। पर मैं बोलता हूं पानी, तो इससे आपको कोई अर्थ स्पष्ट होता है, तो ये शब्द है, ठीक है ना। तो शब्द का अस्तित्व अर्थ से है, ये समझ में आता है सबको, है ना। तो ऐसे ही हम जो लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, उस आकृति का अगर कोई अर्थ है तो वो शब्द है, और कोई अर्थ नहीं है तो केवल एक चित्र है, वो आकृति है, कुछ भी नहीं है, और ठीक है। तो भाषा जो है वो अर्थ से है। अर्थ कहाँ होता है, अर्थ मानव की कल्पनाशीलता में आता है, अर्थ की प्लेसमेंट कहाँ है, हर मानव की कल्पनाशीलता में है।
ठीक है। कल्पनाशीलता के अंदर अर्थ हम अपनी स्वीकृतियों के आधार पे अपनाते हैं, है ना। अभी मैं पूछूं न्याय क्या है, तो आप लोग एक प्रकार से बताएंगे, जो लोग शिविर नहीं किए हैं वो दूसरे प्रकार से बताएंगे, है ना। जो लोग पीड़ित हैं वो एक प्रकार से बनाएंगे, जो शोषण कर रहे हैं वो एक प्रकार से बताएंगे। कहाँ से आ रहा है ये सारा डिफरेंस? शब्द तो एक ही है, अर्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबकी कल्पनाओं में अलग अलग स्वीकृतियाँ हैं, वो स्वीकृतियाँ आधार हैं अर्थ को पहचानने के लिए। तो जब तक ये स्वीकृतियाँ अस्तित्व सहज नहीं होती हैं, तब तक अर्थ के अंदर भेद रहता है। हमारी कल्पनाशीलता में जो स्वीकृतियां हैं, इन स्वीकृतियों को नाम दिया अवधारणा। आधारभूत स्वीकृतियां ही अवधारणा है, इसके आधार पे हमारी कल्पनाशीलता चलती है, है ना। तो इसकी रेफरेंस में हम अर्थ को ढूंढते हैं, है ना। जैसे आज अभी मैं बोलूं दया, मानव दया पूर्वक जीना चाहिए, तो अब इसका अर्थ क्या समझ में आता है ना। तो ऐसा लगता है किसी को भूखे को भोजन करा देना एक दया है, है ना। किसी को नंगे को वस्त्र देना, है ना, एक दया है। या किसी के पास आश्रय नहीं है उसको आश्रय दे देना एक दया है, है ना। ऐसा समझ में आता है ना, अभी तो प्रचलित भाषा में ऐसे ही समझ में आता है दया ये। तो ये कहाँ से आता है हमारा, हमारी अवधारणा है कि मैं शरीर हूं, तो सारी दया शरीर के अर्थ में, भोजन वस्त्र आश्रय ये किसके लिए होता है? शरीर के लिए होता है, ठीक है। जब हम जीवन विद्या का अध्ययन करते हैं तो जीवन के अर्थ में दया का अर्थ स्पष्ट होता है, वो क्या है, है ना। उसकी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी ही होगी कि जिसमें पात्रता है उसके अनुरूप उसको वस्तु प्रदान कर देना। वस्तु क्या है? शिक्षा, यानी कोई शिक्षा ग्रहण करने की स्वीकृति के साथ है। कैसी शिक्षा? मानवीय शिक्षा ग्रहण करने की स्वीकृति के साथ है, उसको मानवीय शिक्षा प्रदान कर देना, यही दया है, ठीक है। तो अवधारणा बदलने से देखिए अर्थ बदल के, अवधारणा में क्या परिवर्तन हुआ? पहले मैं शरीर हूं, उसके हिसाब से दया एक चीज हो गई। अब पता चला मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं, तो उससे दया का अर्थ अलग हो गया। तो समझ क्या है? समझ वो चीज है जिससे हमारी अवधारणा अस्तित्व सहज बनती है। अस्तित्व सहज अवधारणा की स्थापना ही समझ है। अभी हम बहुत लूजली यूज करते हैं समझ, समझ शब्द को बहुत लूजली यूज कर लेते हैं, है ना। तो बोलते हैं कुछ भी, मतलब चीज बोल देते हैं, मेरे को चाय बनाना समझ में आ गया, ये मैंने सीखा है, है ना। कोई भाषा बोल लेते हैं, है ना, कोई कला को प्रदर्शित कर लेते हैं, है ना, मेरे को कंप्यूटर चलाना समझ में आ गया, है ना, ये सीखा है हमने, अभी समझा नहीं। समझने का मतलब मूल अवधारणाएं बदलनी। अवधारणा किस बात पे होती है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस शिविर में, है ना, ताकि फिर आप लोगों को ये स्पष्ट रहे। तो शब्द से अर्थ, अर्थ कहाँ है? कल्पनाशीलता में। कल्पनाशीलता में अर्थ का जो इंटरप्रिटेशन है वो अवधारणा के आधार पे है, है ना। अभी हमारे पास अस्तित्व सहज अवधारणा नहीं होती। अवधारणा का जो प्रवृत्ति है वो ये है कि वो खाली नहीं होती एक आयु के बाद, उसमें कुछ ना कुछ भर ही लेते हैं हम जाने अनजाने में। बच्चों में ऐसा नहीं होता, उनकी अभी अवधारणा बनने की स्थिति होती है, इसलिए वो जल्दी से सही अवधारणा को पकड़ लेते हैं। हमने उधर कुछ बिठा रखा है, उसको रिप्लेस करने में समय, सारा समय उसी के लिए और कुछ नहीं है। अवधारणा किस जगह पे जो भरा हुआ है उसी को रिप्लेस करने में सारा समय लगता है, वही पात्रता है। सारा स्ट्रगल इतना ही है, मतलब यह सारा श्रम इतना ही है, जो अध्ययन का श्रम है अवधारणा को, वही बात की भाई कितनी पुस्तक में, आपके एक पुस्तक में अवधारणा बदल जाए बढ़िया, 14 में बदल जाए और बढ़िया, क्या परेशानी।
ये तो आप सबको सूचना मिली गई होगी, जीवन अमर है तो समय की कोई कमी नहीं है, है ना? तो समय की चिंता से मुक्त हो जाए, सही दिशा में है कि नहीं है इसको पकड़ लें। समय का जो संदर्भ है वो शरीर के साथ जुड़ा है, शरीर के साथ जुड़ा है मतलब खाना पीना रहना वहना इस सब के साथ जुड़ा है, वो समय से होना है। जीवन वाली चीजें तो सब निरंतर होनी है ना, उस सब में आप सक्षम हैं ही सब के सब। शरीर के लिए जो आवश्यकता है इसमें तो सब सक्षम है ना इस सभा में, या किसी को कोई समस्या है? जितना चाहिए उससे अधिक ही हम सबके पास, तो उसकी तो अपने को कोई परेशानी नहीं है। ठीक, हाँ, तो मान्यता वही हमने बिना जाने जो स्वीकार रखा है, जो भी हमने स्वीकार रखा है ना, तो अवधारणा कुछ मूलभूत बिंदुओं पे है, आधार की वस्तुओं पे है, उस पर मैं बात करूंगा अगले सत्र में, बता देता हूँ उसको और फैला देते हैं। मान्यता किसी भी चीज के बारे में हो सकती है ना, कि भाई शिक्षा कैसी है, एक मान्यता के रूप में हमारे पास हो ही सकती है कि भाई शिक्षा व्यवसाय के लिए, एक मान्यता हो सकती है। कुछ हो सकता है शिक्षा आचरण के लिए है ना, कोई बोल सकता है कि शिक्षा जो है वो हमारे को मतलब ज्ञान के लिए है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो शिक्षा का प्रयोजन क्या है, मान्यताओं के आधार पर भी हो सकता है, पर इसका मान्यता वो है जिसमें जानना नहीं है मूल में, है ना? तो जानने के आधार पे मान्यता होगी तो उसका नाम समझ है, जानने मानने का तृप्ति बिंदु बराबर समझ है ना। जब जानने के अभाव में मानना है उसको मान्यता या आस्था, ये शब्द है। और ऐसी मान्यता जो कि एकदम मूल बिंदुओं पे होती है, तीन ही बिंदु हैं उसके, उसकी चर्चा कर लेंगे, तो उस वो जब तक उस वो शिफ्ट नहीं होता है तब तक हमारी समझ में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उसकी बात करेंगे। मेरे ख्याल से ब्रेक का समय हो गया है, तो अगले 15 मिनट में बात करते हैं।